वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ मी आरती। और गाइस कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब कुछ बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज मैं आई हूँ बुद्धा टेम्पल। किसके साथ? अभी दिखाती हूँ मैं आपको किसके। ये देखो नन्हे मुन्ने बच्चे पीछे। त्रिशा से हाय। हाय हाय, हेलो करो, हेलो, उधर 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 हेलो करो। हाँ गाइस, अगर आप बुद्धा टेम्पल आने की सोच रहे हैं तो मास्क कंपल्सरी है, उसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। सो मास्क वेयर करना कंपल्सरी है, तो आपको मास्क के साथ ही एंट्री मिलेगी। ऑल्सो गाइज, अभी क्लोजिंग टाइम क्या है अगर आप सोच रहे हैं बुद्धा टेम्पल आने की, बहुत ही पीसफुल जगह है, आपको आना, ज़रूर आना, मस्ट विजिट करना है यहाँ पे, बहुत अच्छी जगह है। तो मैं आपको व्यू दिखाती हूँ आगे, क्या व्यू है, क्या है और किसके साथ आई हूँ वो सब दिखाऊँगी आपको। तो थोड़ा सा गाइज आप व्यू देख लो। इसमें मिलाती हूँ हम किस किस के साथ आए हैं। ये रही भारती, दीक्षा, हाय हाय। तो यार हम लोग आए, बच्चे हैं, इसके दो बच्चे हैं, इसका एक बेबी है, वो लोग मस्ती कर रहे हैं अभी। तो हमने भी सोचा हम लोग भी कुछ मस्ती करते हैं ना। तो पता है आजकल क्या कर दिया यहाँ पे ना, पहले बिल्कुल खुला था ये, मतलब मैं दिखाती हूँ बैकअप में से, ये था ना पूरा खुला था, हम ग्राउंड में जा सकते थे, पर अब ना इन्होंने थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आई थिंक कोविड की वजह से अब नहीं जा सकते हैं ग्राउंड में, वरना बहुत ही अच्छा था यहाँ पे, बिल्कुल खुला ग्राउंड था, लोग वॉक करते थे, बच्चे खेलते थे, खाने पीने का सब कुछ था, बट अब ये कर दिया शायद, अब नहीं जा सकते हैं इसके अंदर। तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत फ़ोटो क्लिक करवा के ऐसे जाके, तो चलो दिखाती हूँ और क्या क्या होता है यहाँ पे, आपको मिलवाती हूँ। चलो गाइस बाय। सो हे गाइस, पता है मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड मिल गई, पता है मुझे बुद्धा टेम्पल। वैसे तो मैं उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, बहुत ज़्यादा बात नहीं करने वाली थी, सच में मुझे लगा मैं देहरादून आऊँगी ना उससे बिना मिल के जाऊँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बदतमीज है, पर ये इतनी अच्छी है ना, इतनी अच्छी ना कि पता है इसकी, इसको देख के मैं ऐसे हो जाती हूँ, पता है इतनी बदतमीज है, पर प्यार आ जाता है इसकी शक्ल देख के, पर बहुत अच्छी मेरी बेबी, मेरी दीदी है, बताइए बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड। ये यार सच में डोलो दी बहुत देर तक दादू। और ये बताइए कि शर्मीली लड़की बोली, मैं क्या बोलूँ, देखो इतनी ब्यूटीफुल लड़की है, हाय, तो इतनी सुंदर है, ये तो दिखाओ ना फेस अपना। इसका नाम, हाँ इसका नाम पता क्या है, डाडून है ना, सही बोला मैंने, डाडून ना, हाँ डाडून बोला। और इसका नाम है फुनस्टक डोलमा, फुनसो डोलमा। और पता कहाँ से, हिमाचल, कौन से गांव से, बीर गांव से। और जो भी मेरे बीर गांव से देख रहे होंगे ना, अगर अभी तो नहीं होंगे, अगर देख रहे होंगे तो चैनल को लाइक करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और तुम कौन से गांव से हो? दिल्ली, देहरादून से ही है। अच्छा, ये देहरादून से है। सो गाइस बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, दो लड़कियां ये भी हैं, पर ये बहुत शर्मा रही है, तो कोई बात नहीं, इनको हम नहीं लेंगे अभी, नहीं नहीं अभी नए हैं, इनको नहीं लेंगे, पर ये लोग तो बहुत अच्छे हैं यार, बहुत मजा किया इनके साथ देहरादून में। चलो बाय। सो गाइस अभी मुझे बहुत पुराने पुराने दोस्त मिले यार, बहुत मजा आया उनसे मिलके। और जो मेरे साथ थे वो अभी कुछ कुछ कर रहे हैं, कोई रील्स बना रहे, कुछ अपना काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर बैठ के बात कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, बुद्धा टेम्पल देहरादून में है, बहुत ही अच्छी प्लेस है यार, यहाँ पे ना बहुत पीसफुल प्लेस बोलते हैं ना वैसा है, तो आप आ सकते हैं और यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। खाने पीने का यहाँ पे सारा, रेस्टोरेंट वगैरह सारी चीज़ें हैं। और हाँ, अगर आपको तिब्बतीयन फूड पसंद है तो यहाँ पर एक चीज़ है वो है गाइस, तो पता है यहाँ पे मैं बैठी हुई थी बुद्धा टेम्पल में, मुझे ना कुछ लोग मिले, मतलब ये जानते भी नहीं है और मैं भी नहीं जानती, मतलब मेरे चैनल को नहीं जानते, तो ये आ जाइए इधर आ जाइए, ये मिले, तो पता है दिख नहीं रहे आप, हाँ अभी दिखे, तो ये लोग मुझे मिले, तो ये लोग बोलने लगे दीदी फोटो खिंचवा, मैंने बोला क्यों, मैंने सोचा मैं तो अभी इतनी पॉपुलर भी नहीं हूँ, अभी मैंने दो ही ब्लॉग डाले हैं, तो कैसे जानते हैं मुझे ये, तो मैंने इनसे पूछा जानते हैं, उन्होंने बोला नहीं, बोला ऐसे ही बस आप हमें अच्छे लगे, तो पता नहीं यार कुछ तो बात होगी, हाँ, क्या बात ऐसे कैसे लगा कि फोटो क्यूट हो। अच्छा यार पता नहीं, ऐसा भी होता होगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता,
अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मिलके। तो हमने फोटो क्लिक किए, एक दादी भी है प्यारी सी। दादी क्या नाम है आपका? राम प्यारी। कहाँ से हो दादी आप? सारण, मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फर यूपी से ना? हाँ। अच्छा घूमने आए हो? हाँ। कब आए घूमने? हम तो तीन दिन हो गए। अच्छा मसूरी गए थे। अच्छा मसूरी भी गए। हाँ। और कहाँ का घूमे दादी? हेलो, अब तो ये वहाँ कह रहे जाने को ऋषि के। तो कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ना, बहुत शांत जगह है। मुझे भी मेरी फेवरेट जगह है ये देहरादून में ना, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, है ना दादी? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। आप भी बहुत प्यारी बेटी। थैंक यू दादी, थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच। चलो दादी बाय बोलते हैं। बाय 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 बाय। दादी बाय बोलो। बाय बाय बेटी, बाय बाय। उसके सारे जन्म जन्म का पाप धुल गया। अच्छा हाँ, ऐसे मना गया। और जो लोग इसका परिक्रमा करेगा, एक परिक्रमा करने पर इसकी तो एक परिक्रमा करने पर उसको बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है। तब तो मैं भी पक्का करके जाऊंगी आज। बिल्कुल जाइए आप आज, क्योंकि आज का दिन जो है ना, आज स्पेशल डे है। अच्छा स्पेशल डे है। हाँ जी, आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा का दिन। इस पूर्णिमा का महीने में जो है गौतम बुद्ध बर्थ हुआ, उनका जन्म लिया, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, एनलाइटमेंट हुआ, उसके बाद उनकी डेथ भी आज का दिन हुआ। अच्छा तो आज तीन बहुत स्पेशल डे है, बहुत स्पेशल डे। ओके, आज बुद्धिस्ट इंडिया इज कॉल्ड वर्ल्ड्स रिलीजियस लीडर बिकॉज ऑफ बुद्धिज्म, यू नो, बुद्धिज्म के वजह से इंडिया को वर्ल्ड्स का रिलीजियस टीचर का। ओके ठीक है, आध्यात्मिक गुरु, विश्व का आध्यात्मिक गुरु। तो जो अभी जो बौद्ध धर्म है वो ईस्टर्न एशिया कंट्री में फैला, अब इस होलीनेस दलाई लामा जी की कृपा से अब बुद्धिस्ट जो है वेस्टर्न कंट्रीज में फैला। ओके, वेस्टर्न में अफ्रीका तक में फैल गया बुद्धिस्ट, और करोड़ों बौद्ध धर्म को मानने वाला बुद्धिस्ट। तो ये बौद्ध धर्म इज द मोस्ट रिफाइंड रिलीजन इन द वर्ल्ड, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस, अहिंसा, अहिंसा मैत्री, शांति, इनके आधारित है बौद्ध धर्म। किसी को हिंसा नहीं, बिल्कुल नॉन वायलेंस, नो अहिंसा, नो 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 हिंसा, नो हिंसा, ओनली अहिंसा। यस अहिंसा, 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 करुणा, दया, हाँ, मैत्री एंड पीस। इवन हम चिंटी तक को नहीं मारते, तो ये बौद्ध धर्म जो है बहुत ही अच्छा धर्म, मोस्ट रिफाइंड रिलीजन। तो इसलिए जो है ना अभी विश्व में जो दलाई लामा जी का पूरे नाम है, पूरे वर्ल्ड में, यूएसए में, वेस्टर्न कंट्रीज में बुद्धिस्ट बहुत फैला हुआ, बहुत मेडिटेशन सेंटर है वहाँ पे, क्यों बौद्ध धर्म अपनाने से जो है डिप्रेशन खत्म होता है इंसान, जो मानसिक शांति है वो मिलता है। जैसे हम पैसे से तो मानसिक शांति नहीं खरीद सकते, राइट, ठीक है, आपको नींद की दवाई खरीदना पड़ेगा, खानी ना पड़े। हाँ। ठीक है, अगर आपको मन में मानसिक शांति है, हाँ, तो फिर आपको नींद अच्छा आएगी। हाँ। नींद अच्छा आएगी तो आपकी हजमा अच्छा होगा। हाँ। हजमा अच्छा होगा तो सुबह पेट साफ अच्छी होगी, पेट साफ अच्छी होगा तो आप सब कुछ अच्छा। हाँ। सब कुछ अच्छा। हाँ। तो सबसे मेन चीज अगर आपको लंबी आयु रहनी है, हाँ, तो मन में शांति, शांति, मानसिक शांति, क्योंकि अभी प्रियंका बहुत पवित्र मानते हैं। हाँ। तो मैं एक बार इस्तीफा दिखा देती हूँ, इस्तीफा अगर आप लोगों को पता नहीं है, है क्या ये रहा इस्तीफा। एक बातें बताई ना, सच में बहुत नॉलेजेबल बातें थी। सो मच अंकल जी, इतनी ब्यूटीफुल बातें बताने के लिए, बहुत अच्छी, हमें पता भी नहीं थी, मैं पूछ भी रही थी इवन इनसे कि मुझे कुछ बताओ अच्छी सी बातें ना, ताकि मैं और लोगों को भी आगे बता पाऊँ ना। तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई, और सच में आज बहुत लकी हूँ मैं कि आज इतने लकी डे में यहाँ आई, और मैं आज परिक्रमा की बात कर रही थी वो मैं पक्का करके जाऊंगी। हाँ, सो मच अंकल, थैंक यू सो मच यार। अंकल जी ने इतनी प्यारी बातें बताई ना, रियली बहुत अच्छी बातें बताई, मतलब दिल को इतना सुकून मिला ना, और मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। हाँ तो गाइस मिलते हैं, अभी मैं अपने दोस्तों से मिलती हूँ, एक परिक्रमा करके पक्का जाऊंगी मैं यहाँ से, पक्का जाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय 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 बाय। जैसा कि अंकल जी ने बोला था आज स्पेशल डे है, परिक्रमा करना बहुत अच्छा माना जाता है, तो हमने सोचा मैं भी क्यों ना परिक्रमा कर लूँ। मन में ऐसा कुछ मन्नत तो मांगा नहीं है कि मुझे ये देना वो देना, बट ऐसे ही कर लिया सच्चे दिल से, है ना। हाँ। तो गाइस मिलते हैं, अब परिक्रमा कर लूँ मैं अपनी पूरी, उसके बाद आगे बातें करते हैं। बाय गाइस। तो यार बहुत इंटरेस्टिंग था आज का व्लॉग, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, और करीबी मैंने तो एक ही बात पता 3 राउंड और लगाए फिर से।
सो अब हम सोच रहे हैं, देर भी हो गई, अब घर जाते हैं क्योंकि बच्चा है, छोटा सा रो रहा है ना, बहुत थक गए हम, थक गई है ना यार, इसको बहुत परेशान किया छोटा सा, क्यों तो बेबी है पर भारती के बेटे ने, और इसने बहुत हमें डांस करवाया, इन्होंने तो बहुत डांस किया, मैंने अलग ही डांस किया, डांस किया मैंने अलग ही डांस किया, इसने अलग डांस किया, मैंने अलग डांस किया है ना, तो तीनों ही थक गए हम, तीनों बच्चे तो खैर थकते ही कहां है, ये तो है, ये देखो नहीं आने की थोड़ा गेट देखो, देख आ गया, देख आ रहा, देख ना आ रहा, एक उंगली पर आ रहा, एक उंगली पर, लुक एट द व्यू गाइस, इतना सुंदर है ना ये, सच में बहुत प्यारा है यार, आई होप मिल गया यार, बहुत मन कर रहा था लाफिंग खाने का, चलो 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 रोड क्रॉस करो, हाँ आती हूँ आती हूँ आती हूँ, तो चलो चलते हैं लाफिंग खाने, लाफिंग मिलेगा भैया, भैया लाफिंग मिलेगा क्या, नहीं ये खत्म हो गया, नहीं है ऊपर भी नहीं है, ऊपर भी नहीं है, सब बोला खत्म हो गया, अब क्या खाना है, मोमोज खाएं, मेरे को तो बहुत मन था लाफिंग खाने का, चल आज मोमोज खा लेते हैं फिर, नहीं मैं नहीं नूडल्स खाऊंगी, तो ये रहा कैफे, हम नूडल्स खाएंगे, अभी जस्ट हम घर पहुंचे हैं, 9 बज गए हैं यार, बहुत लेट हो गया, जल्दी से चेंज करते हैं और डिनर करते हैं और आराम से सो जाते हैं, तो गाइस बाय, अपना ब्लॉग में यहीं एंड करती हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो गाइस डू लाइक शेयर एंड